पेयजल की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसने पूरे विश्व को जकड़ रखा है। और अगर बात करें भारत की, तो ये समस्या और भी ज़्यादा दयनीय है। पूरे देश में जल संरक्षण के नाम पर सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई, और इन्हीं योजनाओं के जरिए करोड़ों नहीं अरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया, लेकिन परिणाम शून्य। जबकि इतना पैसा फूके जाने पर दशकों तक पानी की उचित व्यवस्था बनाई जा सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन की तकनीकें कमजोर थी या दिशा गलत थी। नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में। मैं हूँ वैशाली, और आज हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव जो एक समय मरुभूमि हुआ करता था, एक गांव जो सूखे से पीड़ित था, एक गांव जो शराब बेचे जाने के लिए बदनाम था, जहां के लोग कच्ची शराब बेचकर अपने परिवार का पेट पालते थे। और आज यही गांव पर्यावरण मित्र बनकर महाराष्ट्र की 50% खाद्य पूर्ति कर रहा है। आज यही गांव फल, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों का निर्यातक है। आखिर कैसे ये मरुभूमि तब्दील हुई हरितिमा में? किसके प्रयासों से इस गांव जैसे सूखे प्रभावित गांव को एक आदर्श गांव में बदल दिया? इन सवालों का जवाब है किशन बाबूराव हजारे। जिस गांव की मैं बात कर रही हूं, वो और कोई नहीं, महाराष्ट्र का राले गांव सिद्धी है। 1995 में सेना निवृत्ति लेने के बाद अपने गांव राले गांव सिद्धी लौट आए किशन बाबूराव हजारे। सेना निवृत्ति के बाद जो पैसा मिला, उसी से कम साधन संसाधनों में अपना जीवन यापन करने लगे। सूखे से पीड़ित अपने गांव की दयनीय हालत देखकर हजारे ने गांव की स्थिति को बदलने का अभियान शुरू कर दिया। वे हर प्रयास करने लगे जिससे पानी को बचाया जा सके। इस काम के लिए जब उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वालों ने ये मान लिया कि किशन हजारे पागल हो गया है, पानी तो बादलों से बरसता है, जमीन पर पानी नहीं ढूंढा जाता। हजारे ने हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास किए, आसपास की शासकीय जमीनों में जंगलों में जाके पानी को रोकने का प्रबंध किया। जहां बारिश का पानी नालों में बह जाया करता था, उस पानी को बांधने के लिए बांध के निर्माण किए, सपाट मैदान में सोखता गड्ढे बनाए, तटबंधन किया। हर उस संरचना का निर्माण किया गया जिससे पानी बहे नहीं, बल्कि बचे और धरती का जल स्तर बढ़े। हजारे ने ये प्रयास लगातार 4-5 सालों तक किए, तब पहली बार गांव के सबसे गहरे कुएं में पानी देखने को मिला। ये बात हजारे ने सभी गांव वालों को बताई, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था, ये मानने को तैयार नहीं था कि एक आदमी कुएं में पानी ला सकता है। कुएं में पानी आना कुदरत का करिश्मा मानकर उन्होंने बात को उड़ा दिया। लेकिन हजारे निराश नहीं हुए, उन्होंने गांव वालों को ये वचन दिया कि अगली बार इससे कम गहरे कुएं में भी पानी आएगा। साथ ही उन्होंने ये शर्त लगाई कि अगर ऐसा हो जाता है, तो गांव वालों को ये बात माननी पड़ेगी कि कुएं में पानी आना कुदरत का करिश्मा नहीं, मनुष्य के परिश्रम का फल है। और फिर सभी गांव वालों को पानी रोकने में मेरा साथ देना होगा। सभी गांव वाले उनकी ये शर्त मान गए। तब हजारे ने और तीव्र गति से पानी रोकने का काम शुरू कर दिया। फलस्वरूप अगले साल ही वहां एक और कुएं में पानी आ गया। तब गांव वालों को यकीन करना पड़ा कि ये सब किशन बाबूराव हजारे की मेहनत का परिणाम है। फलस्वरूप समूचा राले गांव सिद्धि अन्ना हजारे के साथ खड़ा हो गया, और उन्हें अन्ना मतलब बड़ा भाई कहने लगा। जी हाँ, ये पूरी बात जो हमने अब तक की, ये कहानी, ये किस्सा था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे जो कि सिर्फ एक शख्स नहीं, एक व्यक्तित्व, एक संस्थान, एक पूरी किताब है। जब हाथ से हाथ मिले, तो परिणाम भी तीव्र गति से मिलने शुरू हो गए। नतीजा ये निकला कि काफ़ी तेजी के साथ रालेगांव सिद्धि के मर चुके जल संसाधन एक के बाद एक जीवन पाने लगे, और आखिरकार रालेगांव सिद्धि पानी से लबालब हो गया। अब रालेगांव सिद्धि पर्यावरण, जल संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि, बागवानी, पशुपालन
और इन सभी व्यवसायीकरण के मामले में आदर्श गांव बन गया है। कुछ समय बाद जर्मनी का एक पत्रकार यहां पहुंचा, जो सूखे रालेगांव सिद्धि में एक बार कवरेज कर चुका था, और उसने लिखा था कि यदि विश्व में सभी गांव रालेगांव सिद्धि की तरह होते चले गए तो ये दावा किया जा सकता है कि आगामी विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होगा। इस पत्रकार ने जब सूखे से हरे भरे हो गए रालेगांव सिद्धि को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, और उसने जर्मनी पहुंचकर फिर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि पानी की अनुपलब्धता से निराश हो चुके विश्व के सभी गांव अगर रालेगांव सिद्धि की तरह कमर कस लें तो पानी के लिए होने वाले संभावित विश्व युद्ध को रोका जा सकता है। ये रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष पहुंची और तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव के निर्देश पर वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का एक दल रालेगांव सिद्धि पहुंचा। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में ये माना कि देश भर के जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए रालेगांव सिद्धि को आदर्श माना जा सकता है। इसी अध्ययन के आधार पर केंद्र सरकार ने एक योजना बड़े स्तर पर प्रस्तुत की जिसे नाम दिया गया राजीव गांधी जल ग्रहण प्रबंधन मिशन। हालांकि इस योजना के प्रणेता अन्ना हजारे रहे हैं, जिन्होंने बगैर किसी आर्थिक मदद के समूचे रालेगांव सिद्धि को मरुभूमि से हरितिमा में बदल दिया। ये बात और है कि गांधी जल ग्रहण प्रबंधन मिशन के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा अरबों रुपए फूंक दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जल ग्रहण और जल संवर्धन को लेकर ये परिणाम हासिल नहीं हुए जो अन्ना ने बगैर आर्थिक सहायता के स्थापित कर दिखाई दिए थे। ये जांच का विषय है कि जिस पद्धति से बिना किसी मदद के एक समूचे गांव को सूखे से हरा भरा बना दिया गया था, वही पद्धति शासकीय स्तर पर अरबों रुपए डकार जाने के बावजूद असफल कैसे हो गई।